अब हम नदी से चलते चलते अब हम इतनी दूर आ गए, तो अब हमको भूत भी बहुत लगी थी, तो हमको सामने बेर के पेड़ दिखे, ये इतने बेर लगे हैं देखो यहाँ, तो मैंने जैसा बेर अपने लिए तोड़ लिए, ये इतने बेर लगे हैं, तो जैसा बेर मैंने अपने लिए तोड़ दिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। चलते चलते मैं तो बहुत थक गई थी, तो देखो यहाँ हमारे पहाड़ों में ये इतने पेड़ ऐसे बेर ऐसे लगे हैं जिन्हें कोई खाता भी नहीं है। देखो यह है हमारे पहाड़ की सुंदरता और इनके प्यार प्यारा फल। और ये हमारे सामने देखो ये खेत है जहाँ पे हमने सरसों बो रखी है, जहाँ पे हरा हरा आपको दिखाई दे रहा है, और वो सामने वहाँ घर है, एक पहाड़ छोड़ के घर है जो सामने, इसको बोलते हैं किला गाड़ा, ठीक है। और ये हमारा आम का पेड़ है, यहाँ गर्मियों में हम लोग आते हैं नमक मिर्च पीस के लेके आते हैं, और गर्मियों में क्योंकि यहाँ गर्मी में शराघाट में बहुत गर्मी पड़ती है, तो हम लोग इसको हम घर पे जा रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत देर भी हो गई है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं घर को अपने, मेरे बच्चे भी मेरा वेट कर रहे हैं, शाम भी हो गई है, तो मैंने ये रेड रंग की जैकेट है वो मैंने पहन ली, ठंड हो रहा है। अब हम खेतों के रास्ते घर को जा रहे हैं, और एक खेत जो है बखाबक खेत हैं, तो अब हम घर को जा रहे हैं सीधे क्योंकि अब बहुत लेट हो गया हमको। अभी सामने नदी भी थी, अभी इससे पहले हम नदी के रास्ते से आए थे और अब हम खेत के रास्ते से जा रहे हैं, अभी वहाँ से कूद मारनी पड़ रही है, तो खेतों में आते हैं तो अच्छा लगता है, पूरा दिन कब बीत जाता है खेत में पता ही नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत शांति होती है और हर एक खेत दिखने पर दिखाई देते हैं, चिड़ियाएँ दिखाई देती हैं, यहाँ सब कुछ दिखाई देता है। तो मैं भी आशा करती हूँ कि आप लोग भी कभी कभी गर्मी की छुट्टियों में हमारे पहाड़ ज़रूर आए घूमने के लिए विद फैमिली के साथ, और यहाँ की सुंदरता को देखें, और अपने घरों में जाके अपने शहरों में जाके हमारे पहाड़ों की सुंदरता को बताएँ, और अब हम जा रहे हैं, ये पहाड़ ये सामने पहाड़ है, यहाँ से हम जंग यहाँ से हम लकड़ी लेने जाते हैं, और हम गाय बच्चों के लिए घास लेने भी हम यहीं से जाते हैं, भी गांव है और यहाँ भी ऊपर भी इधर ऊपर गांव है, देखो सामने धुआं, आई होप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन सामने जो है वहाँ धुआं धुआं आ रहा है, तो वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ भी घर, और यहाँ रोज हम यहाँ आते हैं, और क्योंकि हमको गाय बच्चों के लिए घास भी लाना होता है और लकड़ी भी ले आनी होती है, तो हमारा तो ये रोज का ही है। तो अब स्टॉप भी कर दो कहीं कहीं, हमारा ये घर आने वाला है, ये खेत में नीचे मसूर बो रहे थे, ये दाल होती है मसूर की दाल जो अभी छोटी छोटी हो रही है, अभी हुई नहीं है, तो अभी होगी क्योंकि ये सरसों बो रहे की है, और साथ ही साथ गेहूँ भी बो रहे के हैं। अब हमारा तो पहाड़ का ऐसा है कि हम बारिश के भरोसे रहते हैं, अगर बारिश होगी तो हमारी खेती भी होगी, नहीं तो ये ऐसी रहेंगे, तो यहाँ का रास्ता भी बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप देख ही रहे होंगे रास्ता ऊपर नीचे है, और नदी है उधर सामने, वहाँ लोग जा भी रहे हैं, आई होप कि यहाँ से बहुत दूर है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम आपको रास्ता दिखाते हैं। अभी हमारे गाँव का रास्ता बहुत ख़राब हो रखा था, तो अभी जो हमारे प्रधान जी हैं उन्होंने कह के हमने ये नया रास्ता बना रखा है, तो मैं आपको अपने गांव अपने घर जाने का रास्ता दिखाती हूँ जो अभी नया ही बना है, और इसमें अभी पानी डालना है जिससे वो सेट हो जाएगा, तो ये हमारे नया रास्ता जो घर का बना है, ये पूरा नीचे तक बना है, वहाँ नीचे तक बना है, यहाँ से सीधे सीधे जाओगे तो आगे नदी पड़ती है, ठीक है। और हम अभी वो वहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है वो वहाँ से घूमते 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 इस रास्ते से हम यहाँ के आए हैं, ठीक है। और ये मेरा घर का रास्ता है जो बहुत ही ख़राब था, तो अभी बन रखा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पानी डाल रखा है अभी हमने, ये अभी हमने पानी डाल रखा है यहाँ ताकि ये पक्का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग आते जाते हैं, तो बहुत लोग गिर गए हैं, कितने को जहाँ चोट लग गई है, क्योंकि पहाड़ के रास्ते ऐसे होते हैं, थोड़े ख़राब से होते हैं, क्योंकि यहाँ सरकार तक
मतलब देखने तो सरकार यहाँ आती नहीं है, तो यहाँ फिर प्रधान ने यहाँ बना रखा है। ये नदी दिख रही है यहाँ से, देखो सामने नदी भी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने नदी है। देखो ये नदी है जो सिराघाट में सरयू नदी में मिल जाती है और आगे जाके और नदियों में मिल जाती है। तो अभी हम घर पर जा रहे हैं, आप रास्ता देख सकते हैं, रास्ता दिखा दीजिए। फिर तो थकान भी बहुत लग गई है गाइस, अब पानी की प्यास लग रही है, लेकिन हम पानी तो लाए नहीं क्योंकि जल्दी जल्दी पानी में पानी लाना भूल गए, बच्चे पीछे पड़ रहे थे हमारे। तो हम चल रहे, ये देखिए यहाँ से नीचे यहाँ पूरा ख़राब था, बंजर था यहाँ, यहाँ लोग गांव के लोग कूड़ा वूड़ा फेंकते थे, तो अब यहाँ सफाई करके तो नया रास्ता बनना है, इधर से बनना है, ठीक है। दीवाले और दीवाले लगा रखी है यहाँ से, नहीं ये इधर को घास है नदी, और इस सामने यहाँ से फिर देखो यहाँ से भी हमारे नदी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं, अब हम रास्ते में अपने घर के रास्ते में पहुँच गए हैं, और यह हमारा गांव है, आज चाची हम घूमने गए थे तभी, तुम्हारी भैंस कहाँ है? ओए भैंस बात दी तुमने, अच्छा पहले आए थे हम, तुम थे नहीं ना यहाँ पे तभी। हाँ ये हमारी अम्मा भी है सामने, ये अम्मा कह रही है मेरी भी बना कह रही है अम्मा, ये तब ये ओए बुबू के बनाने आऊंगी फिर मैं। ओए ये हमारी सास, ये मेरी सास आई है वहाँ पे बैठी है जो, वो मेरी सास है, ठीक है। अभी घास लेने जा रहे हैं ना, तो यहाँ बैठे सब साथ इकट्ठा बैठेंगे, थोड़ा गपशप मारेंगे, तब जाके ये घास को जाएंगे, ठीक है। अब ये सब खाना ना खा खो के आ गए हैं, ये सब देखो ये ऊपर से देख रहे हैं यहाँ से, देखो ये और ये वहाँ से आ गए हैं, ये अब एक और आ गया है, देखो ये शिला दी आ गई है, देखो हाथ में घास आ ले आने के लिए ये कट्टा भी लेके आई है। अब हम घर को जा रहे हैं, हाँ बल्दे हल्दे का बाद में बनाएंगे, अभी फिलहाल हम इतने ही बनाते हैं, हमें लेट हो रहा है, ये हमारे घर का रास्ता है, ये अब हम जा रहे हैं, ये ये हमारे घर का रास्ता है। आज हम थोड़ा घूम के आए, कहीं नहीं यहीं नदी में गए थे घूमने, कपड़े धोने गए थे हम, बना दिया उनके लिए, उनके बना दिया हम, नहीं तो मैं तो आज ही बना रही हूँ। ओए है कपड़े धोने